ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد یہ رمضان کا اخیر عشرہ ہے رمضان کا ہر دن اور رمضان کی ہر رات مومن کے لیے اللہ کی ذات سے قربت اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا اللہ کی طرف سے بہت بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے لیکن خاص طریقے پر اخیر عشرہ یعنی آخر کے 10 دن اور 10 رات جس کے اندر 1 رات ایسی رات ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ قرآن و حدیث کے اندر ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر 1,000 مہینوں سے زیادہ بہتر یہ 1 رات ہے ایسے 1,000 مہینے جن میں یہ رات نہ ہو رحمت خداوندی اللہ کی قربت انسان کو میسر ہو اس 1 رات میں جتنی ہو سکتی ہے ہوتی ہے وہ 1,000 مہینوں میں نہیں ہوتی آپ حضرات یہاں ہیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تسبیح کرتے ہیں لا الہ الا اللہ 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 اور اللہ کی ضرب لگاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس سلسلے میں علماء اور بعض حضرات تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں ایک خاص چیز کی میں آپ کی توجہ کے لیے اس کو بیان کرتا ہوں اور اس پر غور کریں کون کہنے والا ہے قطع نظر اس کے بات جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے جو آدمی ذکر کرتا ہے اللہ کا اس کا فائدہ آدمی کو جب ہی ہوتا ہے جب وہ اس ذکر کا پابند ہو یہاں 3 چیزیں ہیں ایک ہے ذاکر ذکر کرنے والا ایک ہے وہ چیز جس کو واسطہ بنا رہا ہے ذکر کا الا اللہ اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ قرآن پڑھنا نماز پڑھنا یہ واسطہ یہ ہے ذکر ایک وہ ذات ہے جس کا ذکر کر رہا ہے جس کو مذکور کہا جائے جس کو یاد کر رہا ہے جس کی مالا جھپ رہا ہے اللہ اللہ کہتا ہے دل سے کہتا ہے سانس سے کہتا ہے زبان سے کہتا ہے تو 3 چیزیں ہوئیں ایک تو ذاکر ہے ذکر کرنے والا وہ آدمی جو ذکر کرتا ہے
एक वो चीज है जिसको जिक्र कहते हैं जो जरिया है अल्लाह की कुर्बत का, एक वो जात है जिसकी कुर्बत मकसूद है जिसको मजकूर कहा जाए अरबी जबान में। बड़ी कीमती चीज है। फरमाते हैं कि जिक्र करने वाला अपने जिक्र में कामयाब नहीं हो सकता जब तक के जिक्र करने वाला जिक्र पर सवार ना हो जाए। क्या मतलब है? आदमी दुनिया का दिल तो दुनिया में लगा हुआ है, लोगों हमारा दिल कारोबार में लगा हुआ है, उठना बैठना सोना जागना कारोबार में है, औलाद में लगा हुआ है, रात और दिन उसी की फिक्र करते हैं, घर दरबार में लगा हुआ है, फैक्ट्रियों में जमीनों में लगा हुआ है। अब आदमी बताता है कि दिन में 200 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मर्तबा इल्लल्लाह, 600 मर्तबा अल्लाह अल्लाह की जर्ब लगाओ। बीस हजार मर्तबा अल्लाह 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 कहो, कहां से कह ले? दिल तो कारोबार में लगा हुआ है, कहां से कह दे? दिल लगा हुआ है आल औलाद के अंदर, कहां से कहे? वक्त दरकार है, दो चार घंटे लगते हैं जिक्र करने में। कारोबार से हटाकर अपने आप को जिक्र के अंदर लगाना बड़ा मुश्किल है, फितरत है। जब से पैदा हुआ है आदमी उस दिन से लेकर बुढ़ापे तक रोज दुनिया ही में तो रात और दिन लगा हुआ है। इस दुनिया से काट कर दुनिया बनाने वाले की तरफ कैसे लग जाए, बड़ा मुश्किल मसला है, आसान काम नहीं है। लेकिन क्या फरमाते हैं वो लोग जो डूबे हुए हैं जिक्र के? कहते सबसे पहला मरहला कामयाबी का ये है कि तू जिक्र के ऊपर सवार हो जा। जिक्र भागता है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। सबसे पहले इतना जिक्र कर अपने आप को जिक्र में इस तरह लगा दे कि जिक्र छूटने ना पाए, तू जिक्र के ऊपर सवार हो जा। ये बड़ी अजीब चीज है। जिस तरह तू कारोबार पर सवार है, वक्त के ऊपर जाकर के चाबी लगा करके दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, मुलाजिमों को ले जाता है, फैक्ट्री चलाता है, वक्त के ऊपर बंद कर, मजाल है जो 10 मिनट की देरी हो जाए। तू जिक्र पर इस तरह सवार हो जा कि जिक्र छूटने न पाए तुझसे। जैसे दुनिया के अंदर तू सवार है दुनिया पर, इसी तरह अल्लाह के जिक्र पर सवार हो जा। बड़ी अजीब चीज है। जिन लोगों ने जिंदगी गुजारी और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई, वो कहते हैं सबसे पहला मरहला है ये, दूसरा और तीसरा मरहला बाद का है। अब आदमी आता है 10 साल से जिक्र कर रहा हूं, 5 साल से कर रहा हूं, मगर नागे होते हैं। क्यों है? जिक्र पर सवार नहीं है। कुछ भी हो जाता, दिल कितना ही घबराता, दिल पे दुनिया के अंदर कितना ही दिल घुसता चिपका हुआ था पैदा होने से लेकर आज तक, मगर दुनिया की मोहब्बत तुझे अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल न करती। कुछ होता, नुकसान होता, नफा होता,
तकलीफ होती, मगर जिक्रुल्लाह छूटता नहीं। इसीलिए फायदा नहीं होता। आदमी नावा करता है, पांच दिन किया दो दिन छोड़ दिया, साल भर किया पांच महीने छोड़ दिया, तो अब वो जिक्र, ये जो पहला मरहला है कि इतना जिक्र कर और इस इस्तेदाद और इस मजबूती के साथ करके दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं जिक्र को छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी आदमी को अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है तो वो इस अज़्म और हिम्मत के साथ खड़ा होता है कि मुझे जिक्र करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। ये जिक्र करना इस तरह से कि नागा ना हो, छूटने ना पाए, ये पहला मरहला है। अब फरमाते हैं दूसरा मरहला, फरमाते हैं दूसरा मरहला जिक्र का ये है कि तू जिक्र पर सवार हुआ और तूने छोड़ा नहीं, करता ही रहा, कैसे भी हालात हुए, मगर तूने नागा नहीं किया, इतना किया इतना कि जिक्रुल्लाह तेरे ऊपर सवार हो गया। अब अगर तू छोड़ना भी चाहता है तो छोड़ ले, इतनी मोहब्बत जिक्रुल्लाह की पैदा हो गई, अल्लाह के जिक्र का चस्का इतना लग गया है कि अगर छोड़ना भी चाहे तो छूटता नहीं है। बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ने जिन लोगों को इसके अंदर मलका अता फरमाया है वो बात कहते हैं, और ये बात हर एक के दिल में बैठने वाली है, इतना जिक्र कर इतना जिक्र करके कैसे भी हालात हो मगर जिक्र छूटने न पाए, और करते 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 दिल में अल्लाह और उसके जिक्र की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि जिक्रुल्लाह तेरे ऊपर सवार है। यही है वो जिसको हदीस में फरमाते हैं इतना जिक्र कर इतना जिक्र अल्लाह का करके देखने वाले कहीं तो पागल हो गया है, तो मजनून हो गया है। हत्ता युकाल इन्नहु मजनून, क्या बात है, जिक्रुल्लाह सवार है, बात करता है तो उसी की बात करता है, काम करता है तो हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, चाहे कहीं भी हो, अगर पाखाने में भी है तो सांस से अल्लाह अल्लाह चल रहा है, छूटता नहीं, बिस्तर पर है, लेटा हुआ है, चल रहा है, बैठा हुआ है, अल्लाह का जिक्र इतना सवार हो गया है कि किसी वक्त भी गफलत नहीं होती। अगर चाहे भी छोड़ना तो छोड़ नहीं पाता है। दुनिया के अंदर आदमी को इस तरह से बहुत ज्यादा मशगला, जैसे दुनिया इसको दुनिया दे, दुनिया इस तरह सवार हो जाती है आदमी पर कि आदमी से निकल नहीं पाती, ये दुनिया में ऐसा होता है। इसी तरह अल्लाह इतना सवार हो जाए जिक्रुल्लाह, नमाज, जिनको नमाज की आदत होती है, अगर दुनिया में हम जानते हैं देखते हैं अगर पानी नहीं मिलता आदमी बेताब होता है, भाई वुजू करना है कहां से पानी मिले, नमाज सवार है उसके ऊपर। आदमी को कोई दवा खानी है, इस तरह सवार है कि खुद पहुंचता है दवा लेने के लिए, नहीं मिलता दूसरे को भेजता, वो ये समझता है कि मेरे लिए ये जरूरी है, सवार है इसके ऊपर। पहला मरहला तो ये है कि नागा ना होने दे, ऐसा ऐसा अज़्म, ऐसी हिम्मत
और ऐसा ताल्लुक मकसद की तरफ इस तरह बढ़ जाए कि फूटने ना पाए। ये करते 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 अल्लाह से ऐसी मोहब्बत उसके जिक्र से आदमी के दिल में होती है कि सफर हजर में किसी जगह छूटता नहीं है, फिर वो जिक्र उसके ऊपर सवार हो गया है। तन्हा है तब, सफर में है तब, हवाई जहाज में है तब। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हवाई जहाज में है वो जिक्रुल्लाह कर रहे हैं। ऐसा है जैसे जीना बगैर जिक्र के मुश्किल है। किसका जिक्र? अल्लाह का। पहला मरहला, आदमी जिक्र पर सवार हो जाए। दूसरा मरहला, जिक्र आदमी पर सवार हो जाए। किसका जिक्र? अल्लाह का जिक्र। तीसरा और आखिरी मरहला के मजकूर अल्लाह इस पर सवार हो जाए, इसके दिल पर, इसके दिमाग पर, इसकी सोच पर, इसके हाथ पर, इसके पैर पर, इसकी आंख पर, इसके कान पर, इसकी जबान पर। जबान जब उठती है अल्लाह के जिक्र के लिए उठती है, आंख पढ़ती है पहले सोचता है कि अल्लाह देख रहा है, कान किसी की तरफ लगाता है सोचता है अल्लाह देख रहा है क्या कर, हाथ बढ़ाता है अल्लाह देख रहा है, कदम उठाता है अल्लाह के सामने। अल्लाह मजकूर जिसको कहा गया, जिसका जिक्र करते करते जिंदगी गुजर गई है, वो इस तरह सवार है कि खाना पीना चलना फिरना देखना बोलना सुनना हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। ये है आखिरी मर्तबा, ये वो आखिरी चीज है जो मतलूब है। मगर मतलूब हासिल होने से पहले दो मर्तबे हैं, उसमें नागा काम नहीं करता। नागे का होना तो ये चीज है कि पहला मर्तबा वो ही मुमकिन नहीं है हासिल होना कि आदमी जिक्र पर सवार हो जाए। अगर सवार होता तो झूठ के दिया। अल्लाह का हर जिक्र करने वाले को ये समझना चाहिए कि जिस दिन से वो बैठा है जिक्र करने के लिए या किसी शेख के हाथ में हाथ दिया है, उसे समझना चाहिए उसे पहुंचना कहाँ तक है, अपनी मंजिल मकसूद को मुतय्यन करना चाहिए, फिर उस मंजिल मकसूद तक पहुंचने का जरिया क्या है, तरीका क्या है, उसे सोचना चाहिए। दिल्ली जाते हैं तो कितने मराहिल हैं जो जरूरी हैं, दिल्ली बैठे बैठे थोड़ी आदमी चला जाता है। हमारी मंजिल मकसूद है कि अल्लाह हमारे हर अमल हर फेल, हमारे दिमाग, हमारा दिल, हमारी जबान, हर चीज पर सवार हो। क्या मतलब कि सवार तो है अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, मगर सवारी का मतलब है कि इस तरह हो कि कोई काम अल्लाह की याद के बगैर नहीं होता, जिसको इस्तेहजार कहा जाता है। ज़ात वाजिबुल वजूद हर वक्त सामने है। यही वो कमाल मर्तबा है जिस पर इंसान को अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। मेरे भाई, जिक्रुल्लाह जिस तरह हम लोग करते हैं बहुत आसान है। जिक्रुल्लाह कर रहे हैं और दुनिया का भूत हमारे ऊपर सवार है, कारोबार का क्या होगा। लेकिन वो अल्लाह का जिक्र जिसके बाद आदमी की मौत आसान, कब्र का मरहला आसान, जिसके बाद कयामत का दिन आसान,
जिसके बाद हिसाब किताब आसान, जिसके बाद पुल सिराब जहन्नम के ऊपर से पार हो जाना आसान, जिसके बाद हौज कौसर पर पहुँच कर प्यास बुझाना आसान, और इसके बाद अल्लाह के नबी के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाना आसान, वो ये है अल्लाह का दीन। बगैर उसके तो मंजिल मकसूद नहीं मिलती है। जाकिर को अपनी मंजिल मुतय्यन करनी चाहिए। जब वो मंजिल मुतय्यन कर लेगा तब ही उसकी कीमत को जान करके कि ये मंजिल है क्या, तब वो उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा। जिसका सबसे जहां अलिफ है, जहां से शुरू, वो ये कि जिक्रुल्लाह बगैर नागे के होगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया के सारे काम पीछे, सबसे पहला जो काम है वो अल्लाह का जिक्र है। क्यों? ताकि वो जो आखिरी मंजिल है वहां तक मेरी दस्तरसी हो जाए। उसके लिए रोए पहले, हर मर्तबा जिक्र में बैठने से पहले आदमी तीन मर्तबा कम से कम दुरूद शरीफ पढ़े, फिर तीन मर्तबा सूरह फातिहा पढ़े, फिर 11 या 12 मर्तबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, फिर 3 मर्तबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़े, और अल्लाह से दुआ करे क्या है अल्लाह इसका सवाब मेरे मशायख तरीकत को पहुंच जाए, और अल्लाह से रो कर दुआ करे क्या है अल्लाह मैं तो तेरे जिक्र पर बैठा हूँ लेकिन मेरी जो मंजिल मकसूद है कि तुझे पा लूँ, मेरा ये जिक्र उसके लिए जरिया बन जाए, मुझे कामयाबी अता फरमा ले, ये मानकर अब फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर। अल्लाह तेरे इखलास को जानता समझता है, तू क्या कह रहा है और क्या करने जा रहा है, तू चाहता क्या है, और इसके ऊपर ऐसी पुख्तगी कि जमीन और आसमान टल जाए तेरा जिक्रुल्लाह नहीं करेगा। और अल्लाह जानता है कि तेरे अंदर कितनी पुख्तगी है, तलब है अल्लाह की कुर्बत की, तो अल्लाह अपने बंदे को महरूम नहीं करता। मेरे भाई ये जिक्र करने के तरीके हैं, इन तीनों मरहलों को अपने जहन में रखना चाहिए। लोग देते हैं, पर्चे देते हैं, शायद वो बायत को ऐसा होता है जो कहता है कि मेरा जिक्र में एक दिन कभी नागा नहीं हुआ, वरना हर आदमी इस शिकवे को लेता है कि नागे हो जाते हैं। कोई कहता है मदरसे में पढ़ाने में नागा होता है, कोई कहता है कारोबार में नागा, मेरा चंदा करने में नागा, सही है नागा हो रहा है, लेकिन एक बात तो मुतय्यन है, नागे का होना बताता है कि जिस बुनियाद पर नागा हो रहा है वो जिक्रुल्लाह से ज्यादा अहम है। ये तो तय बात, हालांकि जिक्रुल्लाह से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं, मोमिन के लिए क्या चीज है, करो सब कुछ करो, धंधे करो, कमाई करो, ये मतलब नहीं है कि सब छोड़ कर बैठ जाओ, सब करो रिस्क हलाल हासिल करने के लिए, मगर अल्लाह का जिक्र मर्तबे के एतबार से इन सब से बुलंद है, इसलिए कि दुनिया का कारोबार तो दुनिया की 10, 20, 25, 50, 80, 100 साल के लिए है, अल्लाह का जिक्र ऐसी मुद्दत के लिए है जिसके कोई इम्तिहान नहीं है, हमेशा के लिए। मेरे भाई ये चंद रोज हैं, इनके अंदर इसकी कोशिश करो और इस तरीके को अपनाओ
ये जिक्रुल्लाह दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया तो खत्म होने वाली है, जो कर रहे हो वो भी खत्म होगा, जो करने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। जिक्रुल्लाह तो आखिरत के लिए है, वो जो कोठरी है 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट की जिसमें रख करके लोग चले आएंगे, वो कैसे अंधेरी कोठरी नूर का घर कैसे बने, वो तंग और तारीख के अंदर अल्लाह कुशादगी कैसे पैदा फरमाए, वो तो जिक्रुल्लाह से हो, दुनिया के कारोबार से नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब छोड़ दो, करो। सहाबा में ऐसे ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े दौलतमंद थे, अल्लाह के नबी के बाद भी, अल्लाह के नबी की जिंदगी में भी। ग़ज़वे तबूक के मौके पर फरमाया चंदा लाओ, लोगों ने दिया चंदा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और 1,000 सोने के सिक्कों की थैली लाकर आपके गोद में डाल दी। आपने फिर फरमाया, फिर गए 1,000 और ले आए, फिर फरमाया, फिर गए 1,000। आप अपने हाथ से इससे इस हाथ में, इससे इस हाथ में डालते थे और फरमाया उस्मान ने आज इतना किया है कि अब कुछ भी करें सब माफ। ऐसे ऐसे दौलतमंद हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद उनका सामान आया। इस जमाने में तो ट्रक से सामान आता, उस जमाने में तो खच्चर और ऊंटों के ऊपर आता था। इतने ऊंट थे कि कहते हैं कि मदीने का बाजार भर गया, शोर मच गया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ का सामान आया है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने उनसे कहलवाया कि अल्लाह के नबी तो अभी चंद रोज हुए दुनिया से गए हैं, तुमने उनके जाने के बाद अपने दिल को दुनिया से इतना लगा लिया, शोर मच रहा है अब्दुल रहमान इब्न औफ का सामान। जवाब दिया कि अम्मा मैंने इसलिए नहीं, ये तो मेरा कारोबार है, मेरा दिल लगा हुआ नहीं और अभी दिखलाता हूं इतना सामान। दुनिया के जो बड़े बड़े कारोबारी थे मदीना मनवरा के आए, हमें 50 बन दे दो, हमें 100 बन दे दो, हमें इतना दे दो। अब्दुल रहमान हर एक को मैंने बेच दिया, मैंने बेच दिया। लोगों ने कहा भाई किसको बेच दिया, खरीदने वाले तो हम हैं, तुमने किसको बेच दिया। कहा मैंने उसको बेच दिया जो 1 के बदले में 10 देता है, सारा सदका कर दिया और उम्मुल मोमिनीन से कहलवा दिया कि मेरा तो कारोबार ये है। मेरे भाई दुनिया करो, सब कुछ करो, मगर अल्लाह का जिक्र इतना करो, इतना करो, मंजिल मुतय्यन करके कि वो आखिरी मंजिल के कमाना, कारोबार करना, मुंह में लुकमा डालना, बच्चों के सर पर हाथ रखना, घर में जाना, फैक्ट्री खोलना, दुकान सब खोलते हुए अल्लाह अल्लाह के लिए कर रहा हूं। रिस्क हलाल अल्लाह के बंदों की मदद के लिए, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने अज़ीज़ और अकरबा अजीज, दूसरे जो अजीज हैं मैं उनके लिए कर रहा हूं, ताकि ये तो सब छूट जाएगा जो मैं आज दे दूंगा अल्लाह के लिए, कल कब्र में मेरी वही काम आएगा। ये वो चीज है जिसके लिए जिक्र किया जाता है। मेरे भाई अपनी नीयत को उस तरफ लगाकर अल्लाह का जिक्र करो और रो रो कर अल्लाह से मांगो कि ऐ अल्लाह इस जिक्र में असर पैदा फरमा, जो मेरा मकसद है वो मकसद में मैं कामयाब हो जाऊं, तब तो इसका फायदा है। वरना तो मेरे भाई अगर दिल में इखलास नहीं होगा तो अल्लाह के जिक्र का फायदा होना बहुत मुश्किल है। मोहताज तो हम हैं, अल्लाह की ज़ात तो मोहताज नहीं। अगर सारी दुनिया अल्लाह अल्लाह करने लगे तो खुदा की खुदाई बढ़ती नहीं,
और अगर सारी दुनिया अल्लाह का इनकार कर दे तो उसकी खुदाई पर कोई असर नहीं पड़ता। हम सर से पैर तक मोहताज हैं, अल्लाह मुस्तग़नी और गनी। अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत को आबाद फरमाए और हमें जिक्र के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए और हमारी मंजिल को सही मुतय्यन फरमाए और मंजिल मकसूद पर पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।